अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम सलाम। तुम दोनों असद का है? वो एक्चुअली उसकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो बस मैं ड्रॉप करने आ गया। अच्छा ठीक है, बैठो चाय पी के जाना। नहीं नहीं, अगर चाय पीऊँगा तो देर हो जाएगी और मामा परेशान हो जाएगी, फिर कभी सही इंशाल्लाह। चल मैं चलता हूँ। चलो तुम्हारी मर्जी। बस बेटे क्या हुआ? क्या जरूरत थी इस गैर लड़के के साथ गाड़ी में बैठकर आने की? असद कहाँ है? वो क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? दादी वो क्या वो मैं लगा रखी है? मैं पूछती हूँ किसकी इजाजत से इस लड़के के साथ अकेली आई हो तुम? अम्मा उसकी बात तो सुन लीजिए। तुम चुप रहो, मैं मुकद्दस से बात कर रही हूँ। अरे चुप क्यों हो, जवाब क्यों नहीं देती? इसीलिए यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजा था कि गैर लड़कों के साथ अकेली घूमती फिरो। अब क्या कह रही है अम्मा? सही कह रही हूँ मैं। पूछो अपनी बेटी से, मुहित के साथ अकेले घर क्यों आई है? कितना मना किया था सज्जाद को कि बेटी को कॉलेज यूनिवर्सिटी मत भेजो, शादी करके रुखसत करो। अगर अपनी माँ के नक्शे कदम पे चल पड़ी तो खानदान में नाक कटा देगी। प्लीज आप एक बार मेरी बात तो सुन लें। बस मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैंने फैसला कर लिया है, कल से तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। आने दो असद को। सज्जाद ने तुम्हें यूनिवर्सिटी इसलिए भेजा है कि तुम हमारे अहतमाद को ठेस पहुंचाओ। दादी मुकद्दस ने किसी के अहतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई है और ना ही ऐसी सोच रखती है, इसलिए इसे यूनिवर्सिटी जाने से कोई नहीं रोकेगा। तुम मेरे फैसले को रद्द करोगे? दादी मैंने मोहित से कहा था और मुकद्दस अकेली थोड़ी आई, अमल भी तो उसके साथ आई। तो तुम कहाँ थे? मुकद्दस को घर लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। दादी मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, करीब वर्कशॉप में ठीक कराने गया था मैं। मोहित से फेवर ले लिया कि वो इनको घर ड्रॉप कर दे। और मोहित कौन सा गैर है, मेरा मेरा दोस्त है वो। वो तुम्हारा दोस्त है, मुकद्दस का नहीं। आइंदा ऐसी हरकत हरगिज ना हो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लड़कियों का गैर लड़कों के साथ आना जाना। अगर आइंदा ऐसा हुआ तो सज्जाद को कह के तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद करा दूंगी, समझी?